एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप ही के लिए हम पैकेज बनाते हैं, और दूसरा जितने ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतनी ही कॉस्ट आपको कम पड़ती है। जब ड्राइवर आपके साथ 8 से 10 दिन होता है तो उसकी भी एक कैपेसिटी है कि वो कितना ड्राइव करे। और देखिए सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहले है कि जिन होटल्स का फीडबैक अच्छा है उन्हें हम अपनी आइटनरी में रखें, और जिनका फीडबैक हमें कंटिन्यूसली खराब मिलता है उन्हें हम अपनी आइटनरी से बाहर कर देते हैं। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओजी एक्सपर्ट। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं उत्तराखंड के चारधाम यात्रा शुरू होने का, और जैसा कि हम हेलीकॉप्टर यात्रा के बारे में पहले आपको बता चुके हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप बाय रोड चारधाम करना चाहते हैं, 10 मई से यात्रा शुरू होने वाली है। पहले यमुनोत्री धाम, फिर गंगोत्री धाम, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इस तरह से खुलते हैं एक अपार्ट, और चारों धामों में से आप अपना प्लान शेड्यूल कर सकते हैं कि आपको एक धाम यात्रा करनी है, दो धाम, तीन धाम या चारों धाम की यात्रा करनी है एक ही समय पर। वैसे तो हम हमेशा ही आपको एडवाइस करते हैं कि एक बार में अगर मैक्सिमम दो धाम करें तो ज़्यादा बेटर है। वैसे तो अभी हमारे पास इस बार क्वेरीज जो आ रही हैं वो तीन धाम की आ रही हैं, क्योंकि यमुनोत्री धाम में जो 5 या 6 किलोमीटर का जो टोटल ट्रैक है, जब आप वो वाला ट्रैक एक्चुअली लोगों को बहुत टफ लगता है, इवन केदारनाथ ट्रैक करके चले जाते हैं लोग, लेकिन यमुनोत्री धाम का ट्रैक हर कोई नहीं कर पाता है। इसीलिए इस बार ज्यादातर लोग तीन धाम करना चाहते हैं, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम। इस तरह से आप भी प्लान कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप दो दो करके भी धाम करें, क्योंकि यमुनोत्री धाम से तो शुरुआत है, अगर वहां नहीं जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि तीन धाम करके अगर एक धाम छोड़ देंगे तो यात्रा इनकम्प्लीट सी लगेगी। बट ये आपके ऊपर है, कम्प्लीटली आपको जो सुटेबल लगता है आप उस तरह से प्लान करें। हम आपके लिए पूरा पैकेज एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन इस तरह से करते हैं कि अगर आपकी फैमिली में या आप पूरा एक ग्रुप लेकर चल रहे हैं अपने जान पहचान के लोगों के साथ, तो हम उन्हीं लोगों के लिए एक पूरा पैकेज डिज़ाइन करते हैं जिसमें आपके लिए इंडिविजुअली कार होती है एज़ पर द कैपेसिटी। अगर आप कितने लोग जा रहे हैं उसके हिसाब से आपके लिए गाड़ी चूज की जाती है। होटल्स आपके बजट के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस आपको देते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना पैकेज चूज करते हैं और उसके बाद आपकी कैलकुलेशन होती है जो टोटल कॉस्टिंग होती है। देखिए इस बार वैसे तो बहुत अच्छी बात यह है कि पिछले साल से बहुत ज़्यादा कॉस्ट में कोई इतना फर्क नहीं आया, ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं ज़्यादा सर्विस पर ध्यान देने की, क्योंकि हर बार जो हमारे गेस्ट के जो रिव्यूज होते हैं, जो फीडबैक होते हैं, हम उस पर ज्यादा काम करते हैं। इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जिन होटल्स का फीडबैक अच्छा है उन्हें हम अपनी आइटनरी में रखें, और जिनका फीडबैक हमें कंटिन्यूसली खराब मिलता है उन्हें हम अपनी आइटनरी से बाहर कर देते हैं। क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा बहुत आसान नहीं है, बेशक आप प्रीमियम जो सबसे महंगा पैकेज है आप वो भी लेते हैं, तो भी आप ये मानकर बिल्कुल ना चले कि ये एक लग्जीरियस ट्रिप होने वाला है, क्योंकि चारों धामों की यात्रा करना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ दिक्कतें आती भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको मन में एक पॉजिटिविटी रखनी है कि सब कुछ सही हो जाएगा और देखिए आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि कहीं कोई परेशानी हो रही है, तो हम तो हमेशा अवेलेबल होते ही हैं आपके लिए 24/7। हम लोग इसीलिए अपने फोन्स भी ऑन रखते हैं, कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं आपसे। जल्दी से आपको ब्रीफ दे देती हूँ पूरा ये किस तरह से प्लान होता है। जो लोग उत्तराखंड के चारधाम यात्रा पहली बार जाने वाले हैं उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, उनको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जाते हैं। तो सबसे पहले या तो आप अपनी आइटनरी प्लान करते हैं दिल्ली से, या फिर आप करते हैं शुरू हरिद्वार या देहरादून से, क्योंकि सबसे पहला जो पड़ाव है चारधाम यात्रा का वो शुरू होता है यमुनोत्री धाम से, जिसका रूट जाता है देहरादून मसूरी से होते हुए बरकोट तक। तो पहला स्टे आपको बरकोट मिलता है, अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग आप जाते हैं बरकोट से यमुनोत्री धाम, दर्शन करके वापस बरकोट आ जाते हैं। नेक्स्ट डे आप बरकोट से जाते हैं उत्तरकाशी, आपको एक स्टे दिया जाता है, क्योंकि देखिए चार धाम के टाइम पर इतना ज्यादा क्राउड होता है, कई लोग कहते हैं कि नहीं हम तो एक ही दिन में हर्षिल पहुंच जाएंगे या गंगोत्री धाम तक पहुंच जाएंगे। पहुंचने को पहुंचा जा सकता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है, और जब ड्राइवर आपके साथ 8 से 10 दिन होता है तो उसकी भी एक कैपेसिटी है कि वो कितना ड्राइव करे। और देखिए सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहले है, इसीलिए हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई भी इस तरह की हबड़ तबड़ में ये काम किया जाए। आराम से रिलैक्स करके जाइए
और यात्रा अच्छे से करके आइए। उत्तरकाशी के बाद आप नेक्स्ट डे जाते हैं गंगोत्री धाम के दर्शन करने, और वापस आपको या तो हर्षिल रोका जाता है या फिर उत्तरकाशी आपको स्टे दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट डे की आपकी जर्नी होती है वो और भी ज्यादा लंबी होती है गुप्त काशी के लिए। वो जो पूरा रूट है, एक तो हिली एरियाज पे कभी भी बहुत ज्यादा तेज ड्राइव नहीं किया जाता है, धीरे धीरे चला जाता है, ट्रैफिक तो होता ही है, कई बार लैंडस्लाइड्स भी हो जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इवन गवर्नमेंट भी जब आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं तो उसमें मिनिमम 2 से 3 दिन का गैप आपको रखना ही पड़ता है। आप 1 दिन के गैप पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर सकते हैं अपना। तो इस बार भी आपको जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो तो हम करेंगे ही आपके लिए, अगर आप हमसे पैकेज बुक करते हैं आप अपने आप से भी कर सकते हैं। और जब आप गुप्त काशी पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर भी 2 चीजें हैं, या तो आप केदारनाथ धाम जाएंगे बाय ट्रैक करके जाना है तो कोई परेशानी ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों को बाय हेलीकॉप्टर शटल सर्विसेज जो चलती है वहां से फाटा सरसी गुप्त काशी अगर वो लेना है तो उसके लिए अभी प्रोसीजर वही है, IRCTC के द्वारा आप बुक करेंगे, खुद भी कर सकते हैं और हम तो आपके लिए ट्राई करेंगे ही। बाकी जो अदर सोर्सेज होते हैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, अगर जानने वाले नहीं है तो उनमें फंसना मत। पिछली बार बहुत लोगों ने अपने पैसे गंवाए थे, लेकिन इस बार आप समझदारी से काम लीजिएगा। ट्रैक करके जाना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो सेम डे वापस आ जाते हैं। अगर केदारनाथ स्टे करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप बुकिंग करते हैं, 1 नाइट का गैप करके अगले दिन आप वापस आते हैं। और फिर गुप्त काशी से आप जाते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए, बद्रीनाथ धाम में भी आपको 1 नाइट स्टे मिलता है। उसके बाद आप रुद्रप्रयाग आते हैं, रुद्रप्रयाग में या तो आपका स्टे होता है या फिर आप देवप्रयाग श्रीनगर यहाँ पे जहाँ भी जितना आप ट्रैवल कर पाए, या होटल्स की अवेलेबिलिटी भी कई बार डिपेंड करती है, तो वहां पे आपको स्टे दिया जाता है। और उसके बाद आप या तो ऋषिकेश स्टे ले सकते हैं अपना या वापस हरिद्वार, और फिर अगले दिन आप वहां से वापस जाते हैं अपने घर के लिए। तो देखिए इसमें आपको सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है जो हमने टेबल समझाया है आपको, कि आपको 1 car 1 family यानी कि एक फैमिली हो बड़ी या छोटी, या एक ग्रुप होगा आपका ग्रुप। हम ऐसा नहीं है कि कोई चार लोग कहीं से उनका एक ग्रुप बना के आपको एक साथ भेज दें, हम ऐसा नहीं करते हैं। एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप ही के लिए हम पैकेज बनाते हैं। और दूसरा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतनी ही कॉस्ट आपको कम पड़ती है, क्योंकि वो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिवाइड हो जाती है, अकोमोडेशन कॉस्ट डिवाइड हो जाती है, तो आपको रीजनेबल पड़ता है। तो बस इन चीजों का ध्यान रखिए और जल्दी से हमें या तो आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, www.otexpert.in पर जाइए, हमारी वेबसाइट है, वहां पर आपको काफी हमारे डिटेल्स मिल जाएंगे और जल्दी से आपका पैकेज बनाते हैं। तो जिसने पहली बार हमारा ये चैनल देखा है, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने आपको दी है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम हमेशा देते हैं क्योंकि आपको, तो आगे भी मिलती रहे उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो लोग हमेशा देखते हैं प्लीज कॉमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। माँ गंगा के दर्शन कीजिए, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।